कौन? इया का नाबुद व इया का नस्ताईन। वो कैद खाने में बैठा हजार शख्स है जो हमारे लिए लड़ रहा है। नून लीग के साथ? नून लीग। शेर क्यों? बस वो आदमी अच्छे हैं। इतने पीटीआई बेस्ट है। वासी साहब, वासी पान वोट ज्यादा कर देंगे, नहीं देंगे? आपकी राय क्या? नून लीग। शेर इंशाल्लाह जीतेगा। पीटीआई? जिसका नाम लेकर पर्चा हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कामोकी में और ये है NA-79 गुजरांवाला। और 2018 की अगर बात करें तो इस हलके में सूरत हाल कुछ यूँ थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुल्फकार भिंडर ने एक लंबी लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब राणा नज़ीर साहब को हराया था और सीट अपने नाम कर ली थी। और 2018 में आप जानते हैं कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट खास तौर पर PMLN का गढ़ बनकर सामने आया था। तो आज कामों की और ये हलका क्या सोच रहे हैं, तो आइए बात करके देखते हैं। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक? सर PTI। क्यों? उसके साथ ज्यादती हो रही है, वाक सच पे है। तो बाकी के भी और हैं। PDI के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, आ जाएंगे, सभी आएंगे। क्या आप ख्याल है कौन सी पार्टी को आपके ख्याल में देना चाहिए? ऐसे लब्बा एक ना। क्यों वैसे? अल्लाह की रात देना है सिर्फ। अच्छा क्यों? बस हमारे दिलों का बादशाह है वो। उन्होंने बताया कि सच क्या क्या है। ठीक है, सब पता किया है उन्होंने, जो सच बोलते जो झूठ बोलता है। हम इस बात से पीछे लगे, ये लोटा है, सब लोटे हैं। ये कोई भी नहीं है फिलहाल, सब चोर ही हैं जो भी आते हैं। ना सारे चोर हैं, सब चोर। वोट तो देंगे ना? वोट किसको देना, कोई अच्छा आएगा तो मतलब उसी को देंगे। इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों? सब अपने मतलब मफाद के लिए। मायूसी आपको क्यों? कुछ नजर नहीं आया ऐसा कुछ। लेकिन बहुत सारे वक्त में भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। वोट तो देंगे ना? मुश्किल है, दिल नहीं करता किसी को भी। इलेक्शन आ रहा है, फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक? PDI। क्यों सर? काम अच्छे किए उन्होंने। किस लाज है को इलेक्शन आ रहा है, किड़ी पार्टी है तुम्हारे ख्याल है जड़ी कोई बेहतर तुम्हारे वोट तो हकदार है या कोई उम्मीदवार? कोई नहीं। कोई भी नहीं? क्यों? अपने पैसे ला के आने तो खिदमत कर रहे हैं, वोट पाना चाहिए भावे जो जिस बंदे नु मर्जी पाओ, वोट नाल फैसला होंदा ना साडे मुल्क। वोट नेक बंदा कोई आता उन्हें पावा। TLP क्यों? वो यंगेस्ट पार्टी है और जो थी वो देखे है कि इस्लामिक रियासत है हमारी और देखना चाहिए इस्लाम को ही प्रमोट करना चाहिए। जो उनसे आ रही है आजकल की पार्टी इस्लाम को इतना नहीं प्रमोट कर रही जैसे करना चाहिए। इलेक्शन होगा आपके ख्याल में? सही, हम तो कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। अगर तो PTI का उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। अच्छा, अगर नहीं खड़ा होगा तो मेरे ख्याल में खड़ा ही नहीं होगा। हमारे ख्याल में तो PTI जी। PTI बस वैसे लगता है जैसे उसने आवाम को शौर दिया है। अच्छा जी, आप समझते हैं कि PTI को ही जाना जी? PTI को इंशाल्लाह। PTI बेचारे के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। जो वो तो है, बाकी जो दिल है वो इमरान खान कोई आ जाएगा, कोई ना कोई इंशाल्लाह आ जाएगा। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार है? सारे ही हकदार ने, महंगाई तो घट कर पहला। फिर हकदार भी बना लेंगे जिन्होंने देना। लेकिन आपको नहीं लगता कि हकदार तो उसे यानी जब वो हुकूमत में आएगा तो तभी हम परफॉर्मेंस की तवक्को कर सकते हैं? तो अगर भी घूमता उन्होंने ही ना, और हूँ भी उन्होंने ही है। हाँ जी, पहले भी उन्हीं की थी, अब भी उन्हीं की, आप समझ लें। इलेक्शन में कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? हम उसको वोट देखें जिसका नाम लेकर पर्चा हो जाता है। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा जो आपके वोट का मुस्तहिक? फिलहाल जो हमारे हकूक को हमारे हकूक की आवाज़ को बुलंद करता है, जो हमारे हकूक को लेकर हमें चलता है वही सूट करता है। अदरवाइज जितने भी हमारे यहाँ आए हैं उन्होंने आवाम का नहीं सोचा है, उन्होंने सिर्फ अपने मफादात को सोचा है, अपनी तरजीहात को सामने रखा है, आवाम को पसे पुश्त डाल दिया है। तो फिलहाल में नौजवानों की जो उम्मीद है वो इमरान खान से लगी हुई है बिल्कुल, लेकिन इमरान खान जो है वो काफ़ी हद तक हमारे शऊर को उजागर करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जो मंजिल हमें मिलनी चाहिए थी वो फिलहाल वहाँ ले हम कामयाब वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। नून लीग के साथ? नून लीग। शेर क्यों? बस वो आदमी अच्छे हैं। अच्छा। काम का जो काम है ना वो चल जाता है। ठीक है, काम जो है चल, हाँ काम चलते हैं। हमारा तो काम से तल्लक है ना, मजदूरी से तल्लक है।
हमारे लोग पीटीआई आए, नून लीग में अच्छा है काम। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? मेरे ख्याल में जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है। कौन? या कनाबुद या कनस्ताई, वो कैद खाने में बैठा आजाद शख्स है जो हमारे लिए लड़ रहा है, उसको इंशाल्लाह वोट देंगे, हकदार वही है। देखिए ये जो 13-14 जमातों का टोला, ये नलाकों का टोला, बेईमानों का गुलदस्ता मसलत किया गया, अंदरूनी बरौनी कुफ्तों ने मिल के इंशाल्लाह इनको हमने शिकस्त दे दी। असी तो देखो जी उम्मीदवार हाँ पी टी आई दे। क्यों सर? सर देखो अच्छे ने, इन्होंने तो देखे 30-35 साल तो जो इन्हें किया हाल बिल ही नहीं माने गए बिजलियाँ के, आई बात समझ अभी तो आने पी टी आई बेस्ट है। नवाजी साहब। नवाजी क्यों? बस ऐसे जो हालात चल रहे हैं, पहले नहीं थे कभी, आज तक कोई ऐसा। अच्छा। इसलिए तो आपको लगता है मियां साहब इन हालात को दुरुस्त करेंगे? वोट सर क्यों जिंदाबाद, वो ही लीडर है, उन्हें पाकिस्तान का नाम जड़ा रोशन करना है, गरीब नू उन्हें सुकून देना है, इन्होंने बेसकूनी कर छड़ी, गरीब का सुकून भी इन्होंने खोल लिया। सारे को फारक है इन्हों को। जिन्हें धक्के खा रहे ना भाई ने पूरी जिंदगी चीजें रखी असा नहीं खाते जिन्हें खा रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है, फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? भाई जान ये तो पता चलेगा वहां के ऊपर डिपेंड होगा, जहाँ होगा नून लीग के ज्यादा सपोर्टर हैं इधर। आपकी राय? हमारी राय नून लीग है। ठीक है। शेर शेर एक बारी फेर। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में? नून लीग होगी। अच्छा, आपकी राय? नून लीग। अच्छा, आप समझ जाएंगे नून लीग क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने बहुत ज्यादा देर भी काम किया और अच्छा। कुछ नजर भी वैसे आ रहा है, कुछ बेहतर भी हो रहे हैं इसलिए। जी जी। तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग? आपको क्या लगता है सर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है? उम्मीदवार जी हमारे तो नून लीग है। नून लीग के दौर में महंगाई नहीं थी, महंगाई की है। अच्छा। हाँ, नून लीग 18 साल से नून लीग को वोट दे रहा हूँ, नून लीग को ही देना बस। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ जो है ना वो वजीर आजम बनेगा इंशाल्लाह। आपके वोट से बने? हाँ जी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ शेर? हाँ जी शेर इंशाल्लाह जीतेगा। पीटीआई? पीटीआई क्यों? उनसे मोहब्बत है हमें बिल्कुल, बाकी सारे और चोर हैं। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट के सही मानों में? कोई पता नहीं। वोट तो देंगे? नहीं वोट भी नहीं कास्ट करना। क्यों? नहीं नहीं कास्ट करना ही नहीं। शेर शूर आए की कीता उन्होंने, उन गरीब नु फाइल आड़िया ने। इस तरह का भी प्राइम मिनिस्टर होएगा कि जेड़ा एड्डी सादगी च होवे? गलत सारे ही ने, चंगा कोई भी नहीं आया। लेकिन ये वे कि जेड़े पर्दे फाश उन्हें किते ने ना, मैं वे को किसी की तलबदारी नहीं करता, भावें शेर बल्ला जेड़ा भी है वे। लेकिन जेड़े काम जेड़े पार्लीमेंट दे उन्हें आके तो मतलब वादे किते ने ना, वो को कर नहीं सकया। कोई प्राइम मिनिस्टर दसो अपनी जिंदगी दे विच जिन्हें आके क्या होवे कि यार पार्लीमेंट हाउस दे विच उत्थे मझां रखियां ने, या गल वेखो उत्थे इन्नियां गड्डियां ने, वो खा गया सारा कुछ ही खा गया। लेकिन दस गया कुछ ध्यान रखे आज। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।